Hi, Assalamu Alaikum friends. Welcome back to my YouTube channel that is Food is Good with Ziba. I hope you all are fine and doing well. I am also good, Alhamdulillah. First of all, thank you so much my YouTube family that you are supporting and encouraging me on my vlogs and sharing your feedback with me. Thank you so much to all. So friends, if you are new here, then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट से और आज सब अपना अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे. होता है ना जिस दिन सबको अपना अपना खुद से ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो वही मैं लेने जा रही हूँ. ब्रेड और ऑमलेट आप लोगों को क्या पसंद है इंटरेस्ट में मुझे बताइएगा. इसके बाद मैं सीधे आप लोग को मार्केट में मिलूँगी क्योंकि आज मुझे मार्केट से बहुत सारी चीज़ें बाय करनी है, जो कुकिंग आइटम्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें. तो मैं हूँ इस टाइम सफीना मार्केट में अलीगढ़ के. तो चलिए, हमने अपना खाने पीने का मटेरियल जिसे हम बनाते हैं वो ले लिया. उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुंची हूँ आमिर निशा में. और आमिर निशा में इस टाइम तो ब्राइडल पर्पज़ के सूट्स, वैरायटी ऑफ शैनील के सूट के कलेक्शन एंड वेलवेट के सूट के कलेक्शन बहुत ही अच्छे आए हैं. तो जिनकी शादी हो रही है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम आमिर निशा में तो बहुत अच्छे उनके लिए कलेक्शन है. जाएँ शॉपिंग करें, इन्जॉय करें, आप देख सकते हैं. फ्रेंड्स, आज का दिन तो मेरा बहुत ही भागम भाग जाने वाला है क्योंकि मैंने लिखा था लास्ट व्लॉग में, लास्ट व्लॉग इन अलीगढ़. यस, ऑब्वियस सी बात है, वो लास्ट ही व्लॉग था मेरा. इसके बाद जैसे कि आज का मेरा दिन था, आपने देख ही लिया, बाहर आ गई हूँ मैं दोधपुर जकरिया मार्केट. देन आफ्टर ऑल शॉपिंग कर ली है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. इसके बाद हम घर पहुँचेंगे और घर पहुँच के मुझे बिरयानी बनानी है. ऑलरेडी मैं चावल को मैं सोख करके आई थी, चिकन मैरिनेट था, बस क्या करना था, जल्दी से कुक कर लेना था. और ये मसाला वाली हैदराबादी बिरयानी बना रही हूँ, तो इसका रेसिपी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, गो एंड चेकआउट. सो फ्रेंड्स, आप लोग की विंटर्स कैसी जा रही हैं? थोड़ा अब तो ठंडी कम हो चुका है, अच्छा लग रहा है, कोजी कोजी सा माहौल है. और ये लीजिए, बनकर तैयार हो चुकी है मसालेदार चिकन हैदराबादी बिरयानी. तो अभी मैं इसको लेकर जाऊँगी अपनी फ्रेंड के यहाँ देने, बिकॉज उसको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है. और हम 4 बजे हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, यानी गुड़गांव के लिए. तो जब मैं अलीगढ़ से रिटर्न हो रही होती हूँ गुड़गांव के लिए, तब सबकी डिमांड होती है कि मैं उन लोग को बिरयानी दूँ क्योंकि उन लोग को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है. और यहाँ मुझे थोड़ा सा सैड सा फील हो रहा था बिकॉज आज मैं, मेरा ये लास्ट ब्लॉग था अलीगढ़ में. इसके बाद मैं मूव ऑन कर जाऊंगी. और इसने बेहतरीन तरीके की कॉफ़ी बनाई और ये नमकीन दिया एंड वी आर इन्जॉइंग इट. सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, रास्ता आपके साथ ही होगा, अदरवाइज़ मैं बोर हो जाऊंगी क्योंकि मुझे कार में ट्रैवल करना इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा मुझे ट्रेन में लगता है. फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड अच्छे कमेंट करिएगा. अभी पीछे से आके ग्राउंड का एंट्री शुरू होने वाली है गाइस. अब बोलो, और बोलो. सबसे बड़ा लाइट ऊपर है. अरे भाई, इतना ना ये हटो, मैं अपना. सो गाइस, सरप्राइज इज ओवर, ऑल सेट टू गो दिल्ली. तो चलिए, पूरे रास्ते एंजॉय करिएगा एंड वीडियो को भर कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी. तो लेट्स गो अहेड. तो ये अलीगढ़ से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब दिल्ली होते हैं गुड़गांव. क्या फ़ायदा सस्पेंस रखने का, कोई फायदा तो है ना, आपको तो पता ही चल जा रहा है ऐसे भी. कितना ट्रैफिक है अलीगढ़ में, भी दिल्ली जैसे ट्रैफिक हो चुका है. बट यहाँ आपको टोटो एंड ई रिक्शा बहुत सारे मिलेंगे. तो चलिए, रास्ता पूरा इंजॉय करिएगा मेरे साथ. और सबसे हंसी की चीज़ तो ये है, देखिए अभी चलेगी, जैसे ही ब्रेक लगेगा और ये स्टार्ट होगी जलना भी, आप इसको नोटिस करते रहिएगा, जल क्यों नहीं रही है. चलिए बातें करते हैं, जब तक मुझे नहीं, लोगों की लाइट्स पावर होती है, बस एक स्कॉर्पियो की लाइट है वो यहाँ हमारे पीछे जलेगी. एंड जब
सनसेट होता है उस टाइम का टाइमिंग इतना अजीब सा होता है, मतलब बहुत बोरिंग सा होने लगा। मैंने सोचा था मैं बहुत इन्जॉय करके आपसे इतनी सारी बातें शातें करूँगी, आप लोग को व्यूज़ दिखाऊँगी, वैसे कुछ खास व्यूज़ तो नहीं थे, बट आई एम गेटिंग बोर्ड, इतना ज़्यादा मैं बोर हो रही थी। एक तो ब्रेक पॉइंट नहीं आया था, ऊपर से ट्रैफिक जैम इतना था कि हम लोग इतनी देर रात में जाके वहाँ पहुँचे थे, ऊपर से मैं टोटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी। बट फाइनली आ चुका है क्वालिटी इन, एंड यहाँ से शायद मैं थोड़ी सी इनर्जेटिक हो जाऊँ खाने पीने के बाद, थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद तो ऑब्वियस ही बात है हर कोई इनर्जेटिक हो जाता है। तो गाइस सफ़र तो रास्ते से इतना ज़्यादा बोरिंग थी, इतनी तेज़ धूप थी और हम लोग इतना मोटे मोटे स्वेटर पहन के आ गए थे, एंड थोड़ा अलीगढ़ को जब छोड़ते हैं तो थोड़ा तो अफसोस होता ही है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, इंजॉय करिएगा पूरा सफ़र। शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, पता नहीं आज मैंने आप लोग को वीडियो में बहुत बिगड़ दिया रास्ते में, ज़्यादा हैक्टिक था और मैंने सोचा आज दोनों चीज़ शूट कर देते हैं, ऊपर से अम्मी निका भी चले गए थे हम लोग, बट कोई नहीं चलिए। तो बस खाना पीना ले लिया है और मिठाइयाँ की बहुत टेस्टी होती है और कम होती है इस क्वालिटी की, आप देख सकते हैं जो पीछे है। तो जब भी इस वे से अगर आप लोग जा रहे हैं दिल्ली, उधर और ही मैंने चटपट अपने लिए लिया है। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इन्जॉय करिएगा, और ब्लॉगिंग आएगी यहाँ की अच्छी अच्छी, एंड भर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पूरा देखिएगा, आंटी शेयर करिएगा दूसरों के साथ। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक हो चुकी हूँ और मेरी जो अब जो यहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट होगी वो मस्ती भरी होगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड एंजॉय करिए। बट यहाँ इतना जाम है कि अगेन मैं डीमोटिवेट हो चुकी हूँ और मुझे फिर इतनी तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि टोल प्लाजा पर पहुँचे और वहाँ पर ही हमें रुके 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 हाफ एन आवर हो गया था। बिकॉज मंडे से लॉकडाउन खुल चुका है ना, इसलिए तुम्हें बुला लिया गया है। तो और यहाँ मैंने GPS ऑन कर लिया है, हम ट्रैक करेंगे कितना दूर और रह गया है, बिकॉज वेट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, इतना ट्रैफिक जाम ये सब ना, तो बस बहुत तेज़ नींद आ रही थी। वो तो शुक्र है खाना ऑलरेडी हम लोग के साथ है, जो मैंने बिरयानी बनाई थी और जो कबाब हैं, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली पहुंच चुके हैं गुड़गांव। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, होप सो कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो जैसे ही रूम पर मैं पहुंची हूँ, थोड़ा फ्रेश अप होने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले हम चाय पियेंगे। वैसे मैं मोस्टली एक ही बार चाय पीती हूँ, वो भी दूध वाली, अदरवाइज़ मैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो बस चाय बन चुकी है, थोड़ा सा थकावट कम लगेगा तभी तो आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर पाऊँगी। एंड इतना थकने के बाद वी आर इन्जॉइंग अ मूवी। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा रहा हो, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हैक्टिक सा आप लोग को भी लग रहा होगा कि बाप रे कितना बिजी सा रूटीन है। तो खैर कोई नहीं, अब यहाँ की व्लॉगिंग आएगी गुड़गांव की, सो स्टे ट्यून विद माई चैनल एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग मी कि मैं व्लॉगिंग करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।